LJP, RLJP, JDU, ये साथी बदलने की आवश्यकता क्यों? साथी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 16-17 साल से बिहार में हूँ और पहला जो काम और पहला जो शुरुआत वो डेफिनेटली चिराग जी ने ही दिया है। उन्हीं को देख के हम आए थे और इंस्पिरेशन का बहुत सिंपल था भाई, वो भी वंस अपॉन अ टाइम एक्टर थे। एक पार्टी मैम आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद देती है, दूसरी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता की। कितना फर्क है LJP में, RLJP में और अब JDU? मैंने प्राइमरी स्कूल और हायर स्कूल दोनों मैंने LJP RLJP से किया, तो मुझे फाइनली लगा कि ग्रेजुएट होने के लिए जो है JDU द राइट प्लेस। 25 से 30, फिर से नीतीश। हमारे ऑनरेबल CMO बिहार ऐसे शख्स हैं जो प्लेन में बैठ के नीचे के घर गिन लेते, उड़ती हुई चिड़िया का पर गिन लेते, आप इतना जान के रखिए। दो बार मिला के तेजस्वी यादव लगभग 2.5 साल तक डिप्टी CM रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में जो है नौकरियों को बाहर आ गई, नौकरियां जो हैं उनका क्रेडिट वो लेते हैं, तो क्या उस क्रेडिट का फायदा उनको आगामी विधानसभा चुनाव में 2025 में उसका फायदा उनको होगा? 100 तेजस्वी प्रसाद भी आ जाएंगे तो नीतीश कुमार जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 100 तेजस्वी प्रसाद भी आ जाएंगे तो नीतीश कुमार जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पद की घोषणा होनी थी और जब PM का सिलेक्शन की बात थी तो दो लोग बहुत इम्पोर्टेंट बन गए थे, एक बिहार के मुख्यमंत्री और एक साउथ के नायडू जी। बिहार आपके भी बायो में लिखा है मैं बिल्कुल मोदी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देखिए मेरे लिए मेरा विजनरी मेरे लीडर मोदी जी और बात बहुत सिंपल है। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा कर रहे हैं जन स्वराज की, और इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि पार्टी के गठन से पहले 1 करोड़ कार्यकर्ता उनके बन गए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई प्रशांत जी आपके पॉलिटिशियन है कि बिजनेसमैन, ये पहले क्लैरिटी बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, उनके पास एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन नहीं है, वो चाणक्य जरूर है, वो चंद्रगुप्त नहीं है जी। तीसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं पे उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर घूमते रहते हैं, होगा। सूरज पूर्व में ही उगेगा, दक्षिण से नहीं आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज हमारी पहली पॉडकास्ट है और हमारे पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। मेहमान का परिचय कुछ इस तरह से कराया जाए कि आप विभिन्न राजनीतिक दलों में अपनी सेवाएं देने के बाद अभी JDU में हैं और इसके साथ साथ आप iGlam की भी संस्थापक हैं। आइए आपसे ही आपकी जुबानी आपका परिचय लेते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं देवजानी मित्रा जी। थैंक यू, सबसे पहले आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू। कुछ अपने बारे में बताइए मैम। अपने बारे में क्या बताएं, मैं एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, मैं अपने टीम का को लेकर चलना बिलीव करती हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ साथ पॉलिटिक्स में बिहार के लिए कुछ डेफिनेटली करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने स्पेशली इन ईस्ट इंडिया में मैंने देखा है कि चाहे वो बिहार हो, UP हो या बंगाल हो, कोई भी राज्य की अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं अपने राज्य के लिए तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप अपने विचारों के साथ लोगों की मदद कर सकते हैं। iGlam क्या है मैम, इसके बारे में थोड़ा? iGlam एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिहार के युवा पुरुष महिला सब टैलेंट को हम लोग एक साथ ले आकर उनको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं। हमारा जो टाइप है वो मिसेज यूनिवर्स के साथ है, मिस सुपर मॉडल के साथ है, और साथ साथ हम लोग मेन एम्पावरमेंट का भी लास्ट ईयर से हम लोगों ने शुरू किया। अभी तक मिस्टर में कैटेगरी यही था कि भाई सिर्फ आपके सिंगल लड़के या युवा पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट लास्ट ईयर से हम लोगों ने 23 से 60 ईयर्स तक के पुरुषों को ले रहे हैं, जिसमें मैरिड भी है, बहुत सारे पुरुष डिवोर्स भी हैं, बहुत सारे पुरुष सिंगल फादर भी है। क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को बार बार सवाल किया कि आप बहुत फेमिनिज्म साउंड करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आज तक किसी ने क्या कहते हैं, मैंने इस बारे में सोचा था बट मुझे सही समय का इंतज़ार था, और मुझे लगता है कि मेन एम्पावरमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना वुमन एम्पावरमेंट। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक साथ सारे लोगों को लेके उनको ग्रूम करके, उनको नर्चर करके अलग अलग फील्ड्स में उनको आप दिशाएं देते हैं, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, ग्रूमिंग में, पेजेंट में। नए लोगों को तो सभी मौका देते हैं, आपने कहा कि 60 साल तक की उम्र के लोगों को?
जी, उनको किस प्रकार से आप ग्रूम करते हैं? आप देखिएगा, इस बार हमारे क्या कहते हैं कैलकटा की जो टॉप फाइव में से दीप निगम जी, वो 56 इयर्स के हैं, तो वो अपने आप को बहुत फिट रखे हैं और वो चाहते हैं कि भाई वो इंस्पिरेशन बने। अगर हम लोग 50 साल 55 साल के अगर जो हमारे कलाकार है, शाहरुख सलमान की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, वो अगर इंस्पिरेशन पर्दे में है तो रियल लाइफ में इंस्पिरेशन अगर आपके आसपास के पुरुष होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस बार के हमारे जो सेलिब्रिटी जूरी भी है, जिनको एक समय में सलमान जी ने भी मौका दिया था, आपके दिनेश मोहन जी, वो 61 ईयर्स के हैं, तो वो आ रहे और उस शो को जज करने के लिए। कारण बहुत सिंपल, एज इज़ जस्ट अ नंबर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। कर गुजरने की अगर आप में वो क्षमता है और अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना तो एज कोई मैटर नहीं करता आज के समय में। नहीं तो KFC जब लॉन्च हुआ था तो ओनर का एज 70 था। तो आप में जज्बा होनी चाहिए और आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक समय में जनरली पहले कहा जाता था कि ओल्ड एज में लोग अब क्या करेंगे, आश्रम जाएंगे या पूजा पाठ करेंगे या अपने नाती पोतों को खिलाएंगे, दैट्स अ गुड, वो होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हर वो इंसान में अपना एक पैशन है जो उसको फॉलो करना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने 60 इयर्स तक के महिला पुरुष दोनों रखा। इसमें क्या लिमिटेशन है कि केवल बिहार के लोग या बंगाल के लोग, आप कहां से लोगों को? देखिए, अगर मैं मिस्टर मिस और मिसेस बिहार की जब बात कर रही हूँ तो ऑल ओवर बिहार से लोग आते हैं, चाहे छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो, अलग अलग छोटे छोटे शहरों से भी, यहाँ पे बेतिया हो, सब जगह से आते हैं। और अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो बंगाल में ऑल ओवर बंगाल से आते हैं। फिर हम लोग नेशनल करते हैं, नेशनल हम लोग एक जगह चूज़ करते हैं जहाँ से ऑल ओवर इंडिया से लड़के लड़कियाँ युवाएं आके पार्टिसिपेट करते हैं। राजनीति में और ग्लैमर में ये दो तरफ का दो काम हो गया, सामंजस्य कैसे बैठाती हैं? सामंजस्य बैठाना ऐसा है, क्योंकि आई ग्लैम जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने, मेरा पैशन है, इसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचते हैं। और डेफिनेटली एक कहावत है ना कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ यही होती है कि रोज़ आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है कि बेसिक आप जब काम करते हो तो पेट की भूख, छत, ये तो मिटाने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। तो आई ग्लैम इज़ लाइक माई बेस, समझिए मेरा ब्रेड एंड बटर है। इन अ वेरी ऑथेंटिक वे हम लोग चीज़ों को करते हैं। और पॉलिटिक्स अगर बोलेंगे तो मैं चाहती हूँ कुछ करना, मैं चाहती हूँ कि भाई मोदी जी के विजन के साथ हो, या मेरे अपने भी बहुत सारी और इच्छाएं हैं जो मैं चाहती हूँ कि बिहार के महिलाएं युवा उस चीज़ को अपनाएं। कास्टिज्म को किस ढंग से धीरे धीरे राजनीति से टोटली वेव ऑफ करना, ये सारी चीज़ें हमको लगता है कि हम लोग पॉलिटिक्स में कर पाएंगे। तो एक विजन के साथ पॉलिटिक्स भी हमने ज्वाइन किया है। ये अलग बात है कि लोग यहाँ पे 50 साल 60 साल 70 साल के स्ट्रगल के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विजनरी होते हैं उनके लिए 5 साल 10 साल ही काफ़ी होता है। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। एक थोड़ा सा कड़ा सवाल है, LJP, RLJP और अब JDU, ये साथी बदलने की आवश्यकता क्यों? साथी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 16-17 साल से बिहार में हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगी या फिर अपने विचारों को रखूँगी, क्योंकि जनरली मीडिया वगैरह में ज़्यादातर इंटरेक्शंस मेरा हमेशा आईग्लैम को लेके ही हुआ है। लेकिन एक ऐसा पड़ाव आपके लाइफ में आता है और जब आपको लगता है कि नो, आपको अपने प्रदेश के लिए भी कुछ करना चाहिए, और पहला ब्रेक और पहला जो काम और पहला जो शुरुआत वो डेफिनेटली चिराग जी ने ही दिया है, और उनकी पार्टी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने हमेशा से बोला और मैं फिर बोल रही हूँ, एक मेंटोर बोलिए, वो शुरू से वही रहे, उन्हीं को देख के हम आए थे। और इंस्पिरेशन का बहुत सिंपल था भाई, वो भी वंस अपॉन अ टाइम एक्टर थे, मॉडलिंग वगैरह वो भी किए हैं, वो भी अपने हाथ को आजमाए हैं, एंड देन मुझे लगा कि आई कैन कनेक्ट। एंड फिर वहाँ से छोड़ के RLJP में आने का रीज़न सिर्फ सिंपल था कि देखिए, जब कोई लीडर बड़ा होता है तो उनका विजन बड़ा होना चाहिए, और मुझे RLJP में आने, उस वक्त जो मेरे साथ पार्टी में हुआ था, मेरे लिए मेरा सम्मान पहले, मेरे लिए मेरा रिस्पेक्ट पहले, उसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती और ना मैं किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने देती हूँ। आपको मौका मिले आप सैक्रिफाइस कीजिए, आपको मौका मिले आप दो रोटी कम खा लीजिए, दो कपड़े कम खरीद लीजिए, चलेगा, लेकिन आप अपने चरित्र के साथ, अपने रिस्पेक्ट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए यही एक रीज़न था कि मैं छोड़ के RLJP में गई। और RLJP मैंने छोड़ा नहीं, RLJP मैंने तब तक साथ दिया जब तक सारे लोग वहाँ पे जिंदा लाश बन चुके थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के कारण पार्टी बहुत ही हताश थी।
लोगों को लग रहा था कि पार्टी खत्म हो जाएगी, तभी भी मैंने मीडिया में जितना हो सके मैंने अपने विजन के साथ अपने नेता का सपोर्ट मैंने डेफिनेटली किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि धीरे धीरे अब पार्टी अपनी विधानसभा चुनाव की तरफ रुख कर रहा है, तो मुझे लगा कि देखिए एंड ऑफ द डे आप ये सामने जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं सब काम करते हैं, एंड ऑफ द डे अगर आप उनको रोज डांटिएगा, रोज आप उनको शिक्षा दीजिएगा, लेकिन एक दिन अगर आप उनकी तारीफ नहीं कीजिएगा लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि भाई इनको लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड। और मैंने अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का हक किसी को नहीं दिया, किसी को मैंने अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का हक ना दिया था, ना दूंगी, ना आगे मैं करने वाली हूँ, और ये मेरा एथिक्स का एक पार्ट है। तो मुझे ऐसा मैंने लगने लगा था कि RLJP में बहुत ज़्यादा चाचा भतीजे के बोलने के लिए मैं नहीं आई हूँ पॉलिटिक्स में, मैं आपके परिवार में क्या चल रहा है उससे बिहार की जनता को क्या मतलब, कोई मतलब। चिराग जी और पशुपति कुमार पारस कितने अच्छे अपने आपके साथ है, कब उन्होंने लड़ाई किया था, क्या किया था, उससे पॉलिटिक्स के में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी बहुत सारे गम है, और भी बहुत सारे दुख है बिहार में। तो फाइनली मैंने खुद ही JDU में अप्रोच किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे कोई ऐसा गाइड नहीं था कि भाई चलो, क्योंकि राजनीति में आके मैंने इतना तो सीख लिया कि लोग आपको धक्का मार के आगे कर देंगे लेकिन साथ कोई नहीं देगा जब आप गिरेंगे। तो ये मैंने सीख, बहुत बड़ी सीख मुझे 3 सालों में राजनीति में मिला है कि चलना आपको अकेले ही है, कारवा आपको खुद ही बनाना है। एक पार्टी मैम आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद देती है, दूसरी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता की, कितना फर्क है LJP में, RLJP में और अब JDU में? देखिए प्रदेश प्रवक्ता जब मैं बनी थी इट वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। एंड मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कोई भी चीज़ परफेक्शन के साथ करना चाहती हूँ, ये नहीं कि बस मिला तो मैं कुछ भी बोल दिया। आई डू स्टडी अलॉट, मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, पर बिना पढ़े बिना ज्ञान लिए बिना लर्न किए आप हर चीज़ हासिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत आसपास के जितने पॉलिटिशियन में उनमें वही है कि ये लोग मतलब पापा राजनेता थे तो वो बन गए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि इसका तोड़ने का एक ही तरीका, आप इतने अपने आप में नॉलेजेबल हो जाओ कि लोग आपको लेने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि आज भी मेरा मानना है कि नॉलेज के आगे सब चीज़ फेल है, एक नॉलेजेबल आदमी को सामने आप खड़ा कर दीजिए आपकी बोलती ऐसे ही बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपके पास उतनी नॉलेज उस फील्ड की होनी चाहिए। तो जब मैंने धीरे धीरे नॉलेज गैदर किया, और देखिए मैंने बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, मैंने प्राइमरी स्कूल और हायर स्कूल दोनों मैंने LJP RLJP से किया, तो मुझे फाइनली लगा कि ग्रेजुएट होने के लिए जो है JDU द राइट प्लेस। और बात बहुत सिंपल है, 17 साल मेरा बिहार में हो गया, बिहार मेरी कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि मेरी बंगाल है। एक चीज़ मैंने देखा है कि महिलाएं जितना आगे बढ़ चढ़ के आ रही है, हम लोग जितना भी बहुत सारे लोग नीतीश जी के खिलाफ बोल बोल के अपने राजनीतिक करियर एस्टैब्लिश कर लिए, लेकिन द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ आवर ऑनरेबल CM ऑफ बिहार, इतना आप उनके खिलाफ बोलेंगे वो आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। आप कोई और प्रदेश में चले जाइए, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल के देखिए, आपको आप परेशान हो जाइएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे उनसे मिला। उदाहरण है, जेल में रह के आए हैं, आप देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सीख मुझे उनसे मिला साइलेंटली। जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा आपको सामने बैठ के ही सिखाए, तो समझिए कि मैंने एकलव्य बन के मैंने नीतीश जी के सारे वो क्वालिटीज़ को मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग इनके बारे में, ही नोज़ व्हाट ही हैज़ टू डू। और ये जो स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडरशिप है, जो कूल एंड कामनेस के साथ, मुझे लगता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस ढंग से उन्होंने महिलाओं को आगे लेके गए और आधी आबादी को जिस ढंग से सपोर्ट किया, मुझे लगता है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बाद में आया, सबसे पहले तो नीतीश जी ने शुरू किया साइकिल बांटना, ये सब। एंड सबसे बड़ा चीज़ उन्होंने, कहते हैं ना कि मैंने एक 100 सोनार की एक लोहार की, वो लोकसभा चुनाव के दौरान जब फाइनल जब डिसीजन पे जब पद की घोषणा होनी थी और जब PM का सिलेक्शन की बात थी, तो 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे, एक बिहार के मुख्यमंत्री और एक साउथ के नायडू जी। तो आप सोच लीजिए इन दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जो हम सब युवाओं को सीखना चाहिए, हम सब महिलाओं को सीखना चाहिए, और वो है शांति से वो स्ट्रैटेजी बनाओ जो बिना किसी का नुकसान किए अपना काम करके निकल जाए। और वही चीज़ मुझे उसी दिन ही मेरे को डिसीजन लेने पर मजबूर किया था कि आज नहीं तो कल मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन हाँ मैं अभी जिस पार्टी में उस वक्त में थी मैं उनको धोखा देके नहीं जाऊंगी। इसलिए उनके पूरे बुरे वक्त में सारे महान प्रवक्ताओं का मुंह बंद था। लोकसभा चुनाव के दौरान आप उसी पार्टी में बनी रहें और आप उनका पक्ष रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, NDA का पक्ष भी, बिल्कुल बिल्कुल। कितना बदला है बिहार,
ऑनेस्टली बताएं, देखिए बिहार का बदलाव, अगर मैं बेसिक बात करूं आपके रोड की, लाइट्स की, ये अलग बात है, ये तो एक बेसिक एक टेन्योर में एक सीएम का होना ही चाहिए जी, जी। लेकिन जिस ढंग से अभी 5-स्टार प्रॉपर्टी से लेके बड़े बड़े आपके शोरूम्स और बड़े बड़े कैफेज जो बिहार में खुल रहे, एक समय पर लोग निवेश ही नहीं करना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि वो दौर फिर से वापस आ रहा है। और जब मैं बंगाल से जब बिहार आई थी तो सारे मेरे घर वाले बोलिए सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि भाई तुमको नहीं पता बेसिक, वहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम है, औरतों की इज्जत नहीं होती है, औरतों को वो सम्मान नहीं दिया जाता है एंड दे डोंट बिहेव प्रॉपरली विद फीमेल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि दिन दहाड़े बहुत छेड़खानी होती है। कुछ हद तक सही था या सही आज भी है, लेकिन भाई अगर सब अगर वही बोलेंगे तो बदलाव कौन लाएगा। आज अगर आइग्लैम हम नहीं खोलते तो मुझे पता कैसे चलता कि पढ़े लिखे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या लॉयर हो, उनके अंदर में उतने उनके साथ इतना कुछ डोमेस्टिक वायलेंस इतना होता है, वो अपनी आवाज़ कहाँ रखेंगे। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि किसी भी कारण, वेदर आई गॉट मैरिड और जिनके साथ मैं बिहार आई थी, उन्होंने मुझे सही जगह पर सही समय पर लेके आए। मेरे पास उस वक्त दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन था आई शुड गेट मैरिड एंड सेटल इन अमेरिका, जो मेरे पिताजी चाहते थे, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं अपने शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीऊँ, और जो मैंने किया। और रिग्रेट बस एक ही चीज़ का मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा पहले चीज़ें होती और बेटर मैं कुछ कर पाती, लेकिन ठीक है, जब भी ऐसा लगता है तो तभी भी मैं जितने जब भी जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। और मैं जितने भी 40+, 50+, 60+ के जितने लोग हैं, मैं उनकी स्टोरीज देखते रहती हूँ, क्योंकि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेट होने के लिए आप बुक्स पढ़ सकती हैं, अच्छे लोगों की बातें सुन सकती हैं, उनका इंटरव्यू देख सकती हैं। बिल्कुल मैम, बिहार में रोजगार के लिए क्या हो रहा है, क्या इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव कभी होते होते भी नेक्स्ट भी विधानसभा चुनाव की तैयारी, लेकिन डेफिनेटली अभी जिस ढंग से आपके बजट जो आपके बजट सत्र जो पेश हुआ और जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी गया को एक अलग रूप दिया जा रहा है, जितने भी लोग गया या बोधगया में रहते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बोलिए या बहुत लोग जो बिहार आपके गया से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि धीरे धीरे छवि बदल रही है। तो इतना ज़्यादा जो नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो गरीब राज्य की घोषणा हुई थी, उसको बदलने में थोड़ा तो समय लगेगा ना, क्योंकि 17 सालों में बिहार ने सिर्फ लालू और नीतीश जी की लड़ाई देखी थी, लेकिन अब वो देखेंगे नीतीश जी की अलग रूप जो वो चाहते हैं। और इसी बीच में उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, ऐसे कि नहीं कि नहीं किया है, उन्होंने बहुत अच्छा, जैसे मैं हूँ मोदी का परिवार, जैसे मोदी जी ने एंथम दिया तो तुरंत यहाँ पे नीतीश जी ने कहा कि मेरा परिवार बिहार, आपके भी बायो में लिखा है मैं बिल्कुल मोदी बिल्कुल परिवार। बिल्कुल बिकॉज देखिए मेरे लिए मेरा विजनरी मेरे लीडर मोदी जी, और बात बहुत सिंपल है, मेरा इंस्पिरेशन इसलिए वो है क्योंकि उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कि उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके मौसाजी कोई भी राजनेता नहीं थे। अब वो चाय बेच के किए कि वो जूता सिलाई करके कि वो अलग बात है, लेकिन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो ये मॉरल ये सिखाता है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप अगर कुछ करना चाहेंगे आप कर लेंगे, लेकिन शर्त है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप 24 घंटा में अगर आप 8 घंटा सो भी लेंगे, 6 टाइम खा भी लेंगे, कपड़े भी अच्छे पहन लेंगे, पत्नी के साथ प्रेम भी कर लेंगे, माता पिता के साथ 24 घंटा रह लेंगे, तो सक्सेस आपके लिए नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना 100% नो सैक्रिफाइस। इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेस जो है वो ऑप्शनल है, सबके लिए नहीं, एकदम मांगता है। राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के राकेश सिन्हा जी, राज्यसभा में वो बोल रहे थे तो नालंदा के बारे में बता रहे थे कि उसमें 1 करोड़ जो थी पुस्तक, 10 लाख मैन्युस्क्रिप्ट और 2000 शिक्षक, 8000 छात्र, इनको जला दिया गया। कल्पना कीजिए कि कितना भयावह वो दृश्य रहा होगा जो आपके मुगल के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारी मैंने मोदी जी को पसंद करने का या हिंदुत्व को लेकर थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलने का मेरा वन ऑफ द रीज़न ये भी है, हम लोग अपने कल्चर अपने रूट को पहचानने का जो एक एक जो सुनहरा अवसर, स्पेशली हमारे जनरेशन, हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि धर्म कहाँ से आता है। लेकिन इसका मतलब उन्होंने कभी, और देखिए उन्होंने मुसलमानों के लिए भी तो बहुत कुछ किया मोदी जी ने, जितने ज़्यादा मदरसा और जितने ज़्यादा महिलाओं के लिए 3 तलाक की जो चीज़ जो एक घिनौनी चीज़ थी उनको उन्होंने बंद करवाया। तो बदलाव बहुत सारा आया है और धीरे धीरे आएगा। देखिए रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे,
कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है, समय देना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। उसमें भी कुछ लोग राजनीति करके निकल जाते हैं, उसमें भी कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। किसी देश को, किसी सभ्यता को अगर समाप्त करना है जी, तो उनका जो बुनियादी सभ्यताई सांस्कृतिक जो है चीज़ें जो हैं उन पर चोट की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ज्ञान को, ज्ञान परंपरा को नष्ट कर दिया गया नालंदा को, और उस नालंदा को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो वाकई एक काबिल तारीफ है। और जैसा कि आपने कहा कि किसी चीज़ को बनने में टाइम लगता है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। अभी मैं आ रहा था मैम, तो रास्ते में एक मैंने स्लोगन देखा जी, 25 से 30 फिर से नीतीश। मतलब ये क्या आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या आपने इंटरनल सर्वे करा रखा है, क्या है ये चीज़ 25 से 30 फिर से नीतीश? देखिए, 17 सालों में मैंने बिहार से जितना सीखा है, और जितना अभी थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स में मैंने जस्ट अभी अक्षर ए लिखना सीखा और अपना नाम लिखना सीखा है पॉलिटिक्स में, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे ऑनरेबल CM ऑफ बिहार ऐसे शख्स हैं जो प्लेन में बैठ के नीचे के घर गिन लेते हैं, पूर्ति हुई चिड़िया का पड़ गिन लेते हैं, आप इतना जान के रखिए। तो जो अभी सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे ऐसे करेंगे, कोई और आने वाला है, आप समझिए कि उसके आगे वो निकल चुके हैं। क्योंकि अगर वो दाएं घूमने से अगर सरकारें बदल जाती हैं और बाएं घूमने से अगर NDA सरकार बन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर उनका है। दो बार मिला के तेजस्वी यादव लगभग 2.5 साल तक डिप्टी CM रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में जो है नौकरियों को बाहर आ गई, नौकरियां जो हैं उनका क्रेडिट वो लेते हैं। तो क्या उस क्रेडिट का फ़ायदा उनको आगामी विधानसभा चुनाव में 2025 में उसका फ़ायदा उनको होगा, आपको नुकसान होगा, या आपको फ़ायदा होगा? थोड़ा सा इस पर क्लियर कीजिए कि क्या केवल डिप्टी CM की सहमति से या उसकी मर्जी से नौकरियों का सृजन हो सकता है, वैकेंसीज निकल सकती है? क्या उसमें मुख्यमंत्री का रोल होता है, नहीं होता है, कितना होता है? मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को क्लियर करें, ताकि आम लोग भी, जिनको ये भ्रांति है कि हाँ किसी व्यक्ति विशेष के आने से नौकरियों का सृजन हुआ, बिहार में नौकरियों की बाढ़ आई, तो आप थोड़ा इसको डिस्क्राइब कीजिए मैम कि किस हिसाब से नौकरियाँ दी गई, क्या उन नौकरियों में माननीय मुख्यमंत्री का कुछ योगदान नहीं था? बहुत मैंने हंसी आती है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये बचपना देखकर। अच्छी बात है, वो कोशिश करें, युवा नेता है, उनको कोशिश करना भी चाहिए। वो अपने हिस्ट्री से हटके कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरे यादव फैमिली का एक हिस्ट्री रहा है, और हम लोग कुछ भी कर लें, हम लोग दहशत, औरतों के साथ अत्याचार, अपहरण, लैंड फॉर जॉब स्कैम, IRCTC स्कैम जैसे घिनौने चीज़ को आपके पिताजी के पिताजी या फिर और भी जितने भी बिहार प्रदेश के जो एक जनरेशन पहले कभी भूल नहीं सकते, और युवाएं भी भूल नहीं सकते, और वो विजन के साथ चलना पसंद करते। दूसरी बात, जहाँ पे नौकरी की बात रही, चिल्ला चिल्ला के वही बोलते हैं जिनको पता है कि उन्होंने अकेले नहीं किया। तीसरी बात कि महागठबंधन की सरकार जब थी, जो नौकरियाँ बांटी गई वो सारे सैंक्शन हो गए थे गठबंधन की सरकार में। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी उधर गए, उनका चॉइस मूड के ऊपर था कि वो गए, लेकिन लौट के जब आए उन्होंने साफ साफ एक चीज़ बोला था कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं पावर ऑफ एसोसिएशन मैटर करता है, और मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन में सरकार में काम कम किए और अपना ढिंढोड़ा ज़्यादा पीटे हो कि मैंने ये किया, मैंने, भाई देखिए जो काम करेगा ना तो अपने आप कभी नहीं बोलेगा, लोग उनके बारे में बोलेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर इतनी अच्छी पार्टी, इतनी सच्ची पार्टी है, तो अभी लंबा चौड़ा जो नियमावली अभी उन्होंने निकाला है कि गमछा नहीं पहनेंगे तो टोपी पहनेंगे, शालीनता से पेश आएंगे, सारा तो RSS वाला ट्रेनिंग वो अपने क्या कहते हैं यादवों को दे रहे हैं। RJD में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है वो तो सारे फुटप्रिंट जो है वो आपके क्या कहते हैं ऐसे संस्था से है, जिससे कि बड़े बड़े दिग्गज लीडर वहाँ से निकले। तो पेस्ट है 100%। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में मोदी जी कितने बार बिहार आए, इस बार जी 6 से 7 बार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हर वो जगह गए, वो 60 साल के आदमी के साथ कंपटीशन दे रहे थे। अच्छी बात है, आप
दुश्मन भी उन्हीं को मानते हो जो आपके सबसे बड़े इंस्पिरेशन होते हैं, वो मन में उनसे बहुत प्रेम करते होंगे कि भाई अगर ये कर, और उन्होंने वही किया, उन्होंने भी वही कॉट कॉपी पेस्ट किया, बिहार में हर एक जगह घूम घूम के देखे। लेकिन देखिए, बोलना नहीं चाहिए, सॉरी फॉर दिस, मोदी जी लेकिन व्हील चेयर पर नहीं आए, क्योंकि मोदी जी दिखावा नहीं कर रहे थे, मोदी जी दिखावा नहीं कर रहे थे, वो दिखावा कर रहे थे, डिफरेंट सही है। कभी बंगाल में हमारे मुख्यमंत्री जी को चोट यहाँ पे लगता है तो पट्टी यहाँ पे पड़ती है, बायां पैर में चोट लगता है तो दायां पैर प्लास्टर होता है, चुनाव के बाद फिर ठीक हो जाती है। नहीं, अभी देखिए ना, लोगों ने मूर्खता से वोट उनको दिया, अभी अभी देखिए बंगाल की हालत। जी मैं उस पर भी आने वाला हूँ जी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, यादव जी जितना भी हल्ला मैंने चिल्ला चिल्ली कर रहे, अच्छी बात है, आपको कोशिश करनी चाहिए, सबको अधिकार है अपने अपने बात रखने की। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, 100 तेजस्वी प्रसाद भी आ जाएंगे तो नीतीश कुमार जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न है मैम जी कि 2025 के लिए आप कितने तैयार हैं, और दूसरा ये है कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा कर रहे हैं जन स्वराज की, और इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि पार्टी के गठन से पहले 1 करोड़ कार्यकर्ता उनके बन गए हैं। हालांकि एनडीए पे वो कम आघात करते हैं, उन पर प्रहार करते हैं, उनके खिलाफ कम बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ वो ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर या जन स्वराज को जो पसंद करने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़ा लिखा जो उसका एक बड़ा वर्ग जो है वही एनडीए को भी वोट करता है। तेजस्वी का जो वोटर है वो जन स्वराज के साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो डैमेज किसको करना, बातों से किसको घेर रहे हैं, तेजस्वी यादव को, लेकिन उनको वोट कौन करेगा जो प्रबुद्ध लोग हैं। तो ये आपके वोट बैंक में सेनमारी हो रही है, ये बहुत जो है गुड टाइप की राजनीति हो रही है, मतलब इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, जैसा दिख रहा है ग्राउंड पे वैसा है नहीं, वो कहीं ना कहीं एनडीए के वोट को डेंट करने में लगे हुए हैं। देखिए प्रशांत जी के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट के हिसाब से लोग उनको जानते हैं, एक समय पर राहुल जी के थे, फिर ममता बनर्जी के थे, फिर सीएम ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी के भी थे। जेडीयू में एक अच्छा पद मिलने के बाद भी उनको जेडीयू से क्यों मैंने निकाला गया, मुझे उपाध्यक्ष का पद मिला उन्हें, क्यों निकाल दिया गया, वो पर्सनल एजेंडा सेट करने लगते हैं। और अभी जो वो ऐप लॉन्च करके जो 100-100 रुपया जो लोगों से निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई प्रशांत जी आपके पॉलिटिशियन है कि बिजनेसमैन है, ये पहले क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू, उनके पास एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन नहीं है, वो चाणक्य ज़रूर हैं, वो चंद्रगुप्त नहीं है जी। तीसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं पे उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर घूमते रहते हैं जिसमें आप 100 रुपया दो, आप 100 रुपया दो, आप भाई आप मेरे ही पैसे को लेके घुमा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बिहार की जनता भोली है, वो इतना ज़्यादा भोली है कि फिर उनको लगता है कि भाई कुछ अलग हटके होने वाला है, नहीं होगा, सूरज पूर्व में ही उगेगा, दक्षिण से नहीं आएगा। तो लोगों को अगर लगता है कि प्रशांत किशोर जी आके कमर में हाथ देके ऐप डाउनलोड करो तो 8 से 10 हज़ार की नौकरी, भगवान करे सबके नौकरी मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आप फिर कह रही हूँ कि अगर कोई चीज़ शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कि वो बता रहे हैं कि मैं एक झटके में ये, तो शॉर्ट टर्म गोल इज़ ऑलवेज डेंजरस, ये लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे केजरीवाल बन सकते हैं, इस पे क्या कहिएगा? आई थिंक पीपल आर राइट, एकदम राइट। बीच में अन्ना हजारे जी का भी बहुत हुआ था, अन्ना हजारे जी के वहीं से आपकी केजरीवाल भी उठे थे, केजरीवाल जी का हालत। मैं तो बोल रही हूँ ना कि हम लोग को डिफाइन करना होगा कि प्रशांत जी बिजनेसमैन है कि पॉलिटिशियन है। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, इज अ बिजनेसमैन, वो लोगों के इमोशंस को इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखिए, दो टाइप के लोग अच्छा बोलते हैं, एक वो जो पॉलिटिक्स में है जिनको लोगों के साथ 1-to-1, दूसरा जो नेटवर्क मार्केटर है जिनको ये बेचना है आज, उनको आज वो बेचेंगे तो उनके पॉकेट में पैसा आएगा। तो दोनों ही ऑप्शन उनके लिए अच्छा है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन अभी भी वो किशोर अवस्था में, उनको सीखना पड़ेगा। एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम राजनीति में जो है अच्छे लोगों को लाएंगे, प्रबुद्ध लोगों को लाएंगे, टैलेंटेड लोगों को लाएंगे, और दूसरी तरफ फिर जाति की बात करते हैं, कहते हैं कि हम 40 मुसलमानों को इनिशियली टिकट देंगे, उसके बाद प्रोपोर्शनली महिलाओं को देंगे और दलित को देंगे, और दलितों में जो ज़्यादा उनसे बेस्ट होगा, जो अच्छा होगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको दें। तो फिर जातिवाद तो आ ही रहा है ना मैम? देखिए बिहार का,
बोलना नहीं चाहिए, बिहार का रग रग में जातिवाद घुसा हुआ है। एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन तक तो नहीं गया, क्या पता आपके बाद के जनरेशन तक वो वाइप आउट हो जाए। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि बिहार में ऐसा कौन सा बदलाव वो लाएंगे जो एक दिन में वो बिहार को वो क्या कहते हैं बोस्टन बना देंगे, मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो लोगों के लिए एक आई वॉश साबित होगा। ठीक है, कोशिश सबको करनी चाहिए, और हर बार लोग आके गिनी पिग की तरह बिहार कोई क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं, जस्ट बिकॉज बिहार की जनता भोली है, वो चाहते हैं कुछ अच्छा हो। और औरत तो सबसे ज़्यादा सीधी है, कोई पुरुष अगर अच्छा से बात कर ले, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ कि कोई पुरुष अगर प्रेम से बात करके बोले मैडम आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, औरतें ऐसे ही फिदा हो जाती हैं, क्योंकि ये हमारे गुण का एक पार्ट है। अगर आप उस भोली औरतों को अगर आप टारगेट बना रहे हैं तो औरतों को भी सावधान होना चाहिए कि आप अभी तक सुरक्षित हैं, लेकिन आप ऐसे ट्रैप में 100-100 रुपया देके मत फंसिए इस लालच में कि रोज आपको महीने में आपको 10,000 रुपया आने लगेगा। जैसे कि लक्ष्मी भंडार बोल के ममता बनर्जी ने आपके बंगाल का हालत क्या किया। जी जी, लक्ष्मी भंडार में पहले 500 रुपया था, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने 1,000 कर दिया, 1,000-2,000 क्यों किया। तो लोगों को ये पैसा दे के जो टुकड़ा फेंक के, हड्डी फेंक के जो जनता को बेवकूफ बनाना, वो गलत बात है। इतने भी लालची मत बनिए कि पूरा जनता एक दिन आपके अगेंस्ट विद्रोह कर दे। एक चीज आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर जी व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं आरजेडी पे कि कुर्ता के ऊपर बनियान पहन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इस टाइप की बातें करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा उनका एक्सेंट, जब वो इंटरव्यू करते हैं अंग्रेजी में बात करते हैं, विशुद्ध हिंदी में बात करते हैं, उस टाइम उनका एक्सेंट जो होता है वो अलग लेवल का होता है। जैसे ही वो माइक पकड़ते हैं, जनसुराज के कार्यक्रमों में जाते हैं, एक वो भी बेटी है उसको हमारे पास भेजिए, उसको हम पढ़ाएंगे, उसको हम 8,000 रुपया महीना देंगे, 8,000 से 10,000 रुपया महीना देने का आपका वादा आपका इभाई कर रहा है, एक्सेंट पे ध्यान दीजिए। तो फिर आप भी तो वही कर, आप कुछ नया तो कर नहीं रहे। मैं तो वही आपको बोल रही हूँ कि लोगों को लगता है कि भाई प्रशांत किशोर आए, कुछ लोगों को उन्होंने, देखिए स्मार्टनेस पॉलिटिक्स में ज़रूरी है, लेकिन इतना भी स्मार्टनेस ज़रूरी नहीं है कि जनता को या मूर्ख बना के उन्हीं का पैसा। अच्छा बताइए, 100-100 रुपये करके अगर 200 करोड़ लोग भी अगर 20 करोड़ बोल 2 करोड़ लोग भी अगर दे दिए तो कितना कलेक्शन हो गया? 200 करोड़ हो गया कलेक्शन। अब वो 200-300 करोड़ को ही आप घुमा के घुमाएंगे और उसी पैसे को आप कुछ किसी को कुछ रोजगार, मैंने रोजगार आप लाओगे कहाँ से? आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का तो एक ब्लूप्रिंट होगा, एक दिन में तो आपका बनेगा नहीं। ठीक है, पार्टी बनाने का हक सबको है, आप भी बनाइए, लेकिन आपका जो जन सुराज है वो जन का सुराज नहीं होगा, कहीं वो आपका सूरज ना बन जाए। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि प्रशांत जी अभी भी किशोर अवस्था में पॉलिटिक्स में, वो अभी भी अपने चंद्रगुप्त ढूंढ रहे हैं, जिस दिन उनको चंद्रगुप्त मिल जाएगा उनकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी, आप जान के रखिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो अनुसरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। आपने देखा होगा कि जन सुराज के जो लोग ट्रेंड लोग रखे हैं उनकी पहले वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, महिलाएँ हों, लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो अलग अलग लेवल पर उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, बात करने का, कम्युनिकेशन का, कंप्यूटर का, आईटी सेल चलाने का, किस हिसाब से काम करना है। उनके लोग जो हैं, यात्रा तो उनकी चल ही रही है, लेकिन हमने तो खैर बिहार में तो उनकी उनके जो पटना में मैंने उनकी पद यात्रा नहीं देखी। उनके जो वॉलेंटियर हैं, बिहार बहुत बड़ा है मैडम, घूमते घूमते मान रहे हैं, जैसे उनके वॉलेंटियर जो हैं घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस प्रकार के कार्य जो है एनडीए, पूरा एनडीए ही ले लें या जदयू कहें या बीजेपी कहें, जो भी आपके घटक दल के लोग हैं, वो इस प्रकार के काम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, क्योंकि अभी मैन टू मैन कनेक्ट करता है ना। जस्ट बिकॉज प्रशांत जी मोदी जी की स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, जहाँ पे वो डिजिटल इंडिया, लोगों को ऐप डाउनलोड करना, ईमेल करना, ये सब बेसिक सिखा के कर रहे हैं, तो ऑलरेडी युवाएं बिहार की महिलाओं को अच्छा से पता है कि क्या से क्या होता है और किस ढंग से होता है। अभी आपका जो बीजेपी का जो अभी आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, या फिर आज जो हमारे जेडीयू ऑफिस में जो आपका संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, उस पर जो कार्य सब अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ढोल पीट के कर रहे हैं, हम लोग शांति से कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये आपको विधानसभा चुनाव में डेंट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। देखिए डेंट उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि जेडीयू लोकसभा चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगी, रुख ही बदल गया। मैंने आपको कहा ना कि मेन जो लीडर है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
जो हमारे प्रदेश के सीएम हैं उनके दिमाग के आगे चाहे वो प्रशांत किशोर हो चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो अभी भी बच्चे हैं। ममता बनर्जी तनाशा बन गई हैं क्या? 100% इस पर कोई दो राय नहीं। संदेश खाली होता है फिर आरजी कर होता है, हर चुनाव में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या हो जाती है, संदेश खाली में क्या से क्या हो गया, फिर भी उनको इतनी सीटें मिलती हैं। और अभी देखिए जो डॉक्टर के साथ हुआ पूरा राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना हुआ है, क्या क्या दिखाना चाह रही हैं? देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि बंगाल में मेरा घर है, मेरे पेरेंट्स मेरे पूरे परिवार वहाँ रहते हैं। जो असली बात है, आधातर लोग जो हैं वहाँ पे वोट करने को मौका ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये गुंडाइज्म, कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों को वोटिंग लेना, और उसका नतीजा अभी आप जो आरजी कर में जो कांड हुआ उसके बाद लोगों की इतनी बड़ा शॉक लगा है कि अभी तक पूरा बंगाल जो है उससे उभर नहीं पाया। अभी भी आंदोलन चल रहा है, अभी आपके गिरफ्तार होने के बाद भी एक ही डिमांड है कि जब तक आप गद्दी नहीं छोड़िएगा या आंदोलन खत्म नहीं होगा हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। तो एक कहते हैं ना कि तानाशाह आप एक टाइम तक रह सकते हो, आज नहीं तो कल चीज़ें सामने आएंगी। और एक महिला होने के नाते वो बहुत ज़्यादा ही इनसेंसिटिवली बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ, वो बहुत ज़्यादा ही कटुता के साथ बिहेव कर रहे हैं, और बात करने पर वो जवाब देती है अच्छा पीड़िता के परिवार को हम 10 लाख रुपया मुआवजा दे देंगे। आप कहना क्या चाहती हैं कि औरतें के साथ कोई भी कुछ भी करके चले जाएंगे और जाके आप उनके माता पिता को बहन को उनके भाई को आप जाके 10 लाख रुपया दे देंगे? तो कहीं ना कहीं वो औरतों का सम्मान और इज्जत तो नहीं रख पा रहे, और ये पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं। और बंगाल अभी ऐसे अलर्ट जोन में है कि लोग जिस दिन ममता बनर्जी का मैंने मान लीजिए उन्होंने रेजिग्नेशन देंगे, समझिए कि उस दिन बंगाल का रेवोल्यूशन स्टेज स्टार्ट होगा। दिल्ली लेकर चलते हैं आप जी। बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं जी, कह रहे हैं कि हम 2 दिन के अंदर इस्तीफा सौंप देंगे, लोगों से बात करेंगे कि हाँ हमको कुर्सी पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। उनके पास कोई मंत्रालय तो है नहीं, नहीं। खाली मुख्यमंत्री हैं जी। हालांकि कोर्ट ने उनको ऐसा बोला है कि आप किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो ये क्या फिर से चुनाव से पहले सहानुभूति लेने की कोशिश है क्या? देखे, है वो देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे वो दिल्ली की जनता हो या बिहार की जनता हो या बंगाल की जनता हो जी। एक लिमिट तक जनता चीजों को टॉलरेट करती है जी। एक लिमिट तक, जैसे आपके घर में कोई आके बेवजह आपको एक बार कुछ बोल के क्या आप सुनेंगे जी। 2 बार सुनेंगे, 3री बार आप उसको धक्का मार के निकाल देंगे। तो वैसे राज्य के साथ भी वही है, उन्होंने जो कांड किया मनीष जी के साथ मिलके, जो जो आपके शराब घोटाले के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो कोर्ट में, यहाँ एक पे एक फ्री बहुत सारे और भी चीजें हैं। तो लोग इतने मूर्ख नहीं है, लोगों को सब दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जनता जो चाहते थे वो हो गया, इसलिए भी आप देखिए ना दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीट तो बीजेपी को यहाँ लोकसभा चुनाव में एक सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए उनको कोशिश कर, बिकॉज मैंने कहा ना कि सबको हक है, अपनी अपनी लड़ाई दोबारा लड़ने की हक सबको है, तो वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों का साथ उनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बार बार आप उसी जनता को छल नहीं सकते हो, कितना बार आप एक ही जनता को बार बार छलोगे? अब बेवकूफ किसको बना रहे हैं बताइए, राज्य में आप अलग लड़ते हैं जी, केंद्र में आप जो है एक साथ हो जाते हैं, फिर पंजाब में आप अलग लड़ रहे हैं, मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या जनता इन चीजों को नहीं समझ पा रही है? जनता सारी चीजों को समझ भी रही है, और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी एक बार लास्ट ट्राई कर रहे हैं राजनीति से संन्यास लेने से पहले, कि लास्ट एक बार ट्राई करके देखते, अभी भी थोड़ी लॉ बची होगी तो हम फिर से कुछ ना कुछ बन जाए। अब आते हैं चिराग पासवान जी, जब लोकसभा का रिजल्ट आया तो कयास लगाए गए कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो बार्गेन करेंगे या इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जैसा कि आपने पहले बताया वो एक मझे हुए राजनेता हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई ऐसी उनकी डिमांड थी। जिसे मोदी का हनुमान बताया गया, जिसे मोदी का विश्वसनीय बताया गया, सबसे विश्वस्त बताया गया, मोदी जी स्वयं उनके लिए प्रचार करने आए और वो चिराग पासवान अब बार्गेन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, यूपीएससी में जो लेटरल एंट्री की बात थी उस पर उन्होंने विरोध किया, हालांकि लेटरल एंट्री जो है कांग्रेस के टाइम में भी हो चुका है। हाँ। मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये सब उसके उदाहरण है। अब बहुत दूर जाएंगे तो नेहरू जी की बहन भी कोई थी, उनको भी ऐसे ही जी
उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो विद्यालय तक नहीं गई थी, गाड़ी पे कोई टीचर आता था उनको पढ़ाता था और कोई फॉरेन सर्विस में उनको कोई पद दिया गया। तो ये सब चीज़ें पूर्व में होती आई हैं, और एक्सपर्टीज वाले पद पे अगर किसी को नियुक्त किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों में आरक्षण को घुसाया जाए। और अगर इतना ही आवश्यक है तो 40 पदों का आपने सृजन किया था तो 40 की जगह आप 80 कर दीजिए, 40 को ढोइए, 40 को आप 40 से काम लीजिए, फिर यही होगा। दूसरा था कि एससी एसटी रिजर्वेशन में जो क्रिमिनल एयर का जो मुद्दा था उसके भी खिलाफ थे, वक्फ बिल पर उनकी अलग राय है, और झारखंड में 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। छोटी पार्टियां जो होती हैं मैम राज्य में अपने बलबूते बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी पार्टियों का उनको समर्थन मिल जाता है तो उनके बेहतर करने की उम्मीद कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अब ये सारी चीज़ें हैं, बीजेपी ने उनको उनके ऊपर भरोसा किया, 5 सीटें दी, 5 जीते, तो 5 जीतने में केवल उनका योगदान नहीं है, जेडीयू के वोटर ने भी उनको वोट दिया, आपको कुशवाहा ने भी वोट दिया, आपको बीजेपी के वोटर ने भी वोट दिया, आपके भी कुछ कैडर वोट होंगे उन्होंने भी वोट किया, और जब आपके 5 सांसद जीत के आ गए तो आप क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है 2025 विधानसभा चुनाव, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इसको इस ढंग से देखती हूँ कि जिस ढंग से चिराग जी ने अपने आप को लोकसभा चुनाव के बाद एक एस्टैब्लिश किया है, ये एक केस स्टडी है। केस स्टडी में इसलिए बोलूँगी कि उनके पास वो सारी चीज़ें छीन ली गई थी जो एक समय उनके थे, तो ही बाउंस बैक, तो उसके लिए तो मैंने जितना उनकी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने मेहनत बहुत की थी, अब केंद्र में मंत्री भी बने, अभी धीरे धीरे करके चीज़ों को वो सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जब एमपी होते हो और आपको अपने बात रखने का एक हक होता है, तो एक पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एमपी हैं, तो उनको हक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही घर में 5 आदमी ही बोले सब सबको ही आपका लाल रंग के कपड़े पसंद है, किसी को ब्लू है, किसी को हरा है, उसी में उन्होंने अपना बात रखा। मैं इसको इस नज़र से देखती हूँ। लेकिन उनका मैंने एक इंटरव्यू भी रिसेंटली सुना था नेशनल चैनल पे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कितना भी लोग मेरे खिलाफ बोल लें, कितना भी लोग ये दिखा लें कि मैं मोदी के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं इस पे विरोध कर रहा हूँ, मैं मरते दम तक मोदी जी के साथ रहूँगा। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये चीज़ क्लैरिटी दे दी है तो बाकी सारे चीज़ों पे जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया, ये उनका कंसर्न था एज अ एमपी, उनको सवाल था कि नहीं मैं इस पे इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा। तो मैं इसको कहीं ना कहीं से ज़िद नहीं समझती हूँ। एक पार्टी के लीडर होने के नाते उनके आसपास के जितने लोग हैं, कुछ मुसलमान हैं तो कुछ एससी एसटी है, दलित है, सबको लेके उनको भी चले, उनके हक के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। इसको इस ढंग से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर। आप डिफेंसिव हो रहे हैं। नहीं, हम डिफेंसिव नहीं हो रहे, हम सच बोल रहे हैं, हम एकदम डिफेंसिव नहीं। आपको आज तक कभी देखा आपने मुझे चिराग जी को लिए डिफेंसिव होते हुए? लेकिन आपने पहले मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ, आज से पहले नहीं देखा। नहीं देखा, आज आपने देख लिया। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू देखा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कहीं वो डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि उसके बाद उनकी बहुत फजीहत होने लगी थी। नहीं, आई डोंट कि आप मोदी जी के नाम पे जीत के आते हैं। और अब देखिए, ये तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक, उनके प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो वो डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू देखा इसलिए मैं आपको बोलूँ कि ही सेड कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे। तो जब वो बोल दिए हम कहीं नहीं जा रहे तो उस पर हम क्यों बात कर रहे हैं? आखिरी सवाल है जी, जी। देश के चिर युवा राहुल गांधी जी पे, राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बयान देते हैं कि जिससे देश के संप्रभुता को नुकसान पहुंचने वाला। आप कहते हैं कि साउथ इंडियन लोगों को कम तरजीह दी जाती है, आप कह रहे हैं कि सिखों के गुरुद्वारा जाने पर रोक है, आप कहते हैं उनके कड़ा पहनने पर, ये सब क्या है? ये क्या वो क्या जताना चाह रहे हैं? क्या विपक्ष में होने का सिर्फ यही है कि आपको विरोध सिर्फ इसलिए करना है कि हाँ हमको विरोध ही करना है, या कुछ तथ्यात्मक बातें भी रखनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है गांधी परिवार के लिए कि जिस घर से देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी उनके पिताजी तक, इवन उनके माताजी भी एक समझिए एक इटालियन होके वो भारतीय संस्कृति को अपना ली,
लेकिन अपने बेटे को वो पॉलिटिशियन नहीं बना पाई। रीज़न क्या है? उनको सोने की चम्मच लेके वो बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बड़ा मोदी जी का सक्सेस होने का एक ही रीज़न है, ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर। वो लोगों को अपने साथ एंगेज करते हैं। वो जब बोलते हैं आप टीवी आपको ऑफ करने का मन नहीं करेगा। वो आकर्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें वो विजन है। अनफॉर्चुनेटली राहुल जी में कोई विजन नहीं है। उनको अगर आप पूछ लीजिएगा कि जैसे हमारे पास एक विजन है 2047 मिशन, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी पे पूरा एनडीए सरकार अभी काम कर रहा है। जी, जी। आप उसमें कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बिल पास नहीं हुआ वो बिल, अरे आप देखिए तो आगे आगे। मैंने कहा ना, एक विजनरी बैठे हुए यहाँ पे और एक विजनरी बैठे हुए दिल्ली में, तो इन दोनों को आप कम मत समझिए। आप मैंने बहुत सारे आजकल युवाएं जो आ रही है पॉलिटिक्स में, उनको लगता है कि भाई नीतीश जी क्या कर लेंगे मोदी जी का, उनको सीखिए आप लोग, मौका मिले सीख लीजिए। आई एम वेरी लकी कि जब तक मैंने पशुपति कुमार पारस जी के साथ काम किया मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि 48 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ अगर एक हम्बलनेस के साथ बिना अकर दिखाए अगर आपको बुला के साथ में बैठ के चाय पी सकते हैं अपने परिवार से मिला सकते हैं तो हम सबको सीखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ आज तक राहुल जी ने नहीं सीखा, ह्यूमिलिटी नहीं सीखा उन्होंने, और उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। भाई आप अपने देश से बाहर जाके आप लंदन अमेरिका कैम्ब्रिज वगैरह जाके आप बकवास करके आ जाते हो, और जब वहीं का पत्रकार जब आपसे बोलता है कि आपके दादी जी को एक बार हम लोगों ने ऐसे बोला था तो उन्होंने सीधा बोला था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि भारतीयों का या भारत का अपमान हो। तो अगर वो अपने घर से अपने दादाजी से अपने क्या कहते दादी जी से अपने पापा से नाना जी से भी नहीं सीखे, अपने माता जी से भी नहीं सीखे, तो आप क्या सीखेंगे? आप तो सीखने की उम्र गई। एक वो एक ऐसे उम्र, वो एक ऐसे युवा यंग नेता है जो 55 साल में भी वो बचपना कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको छोड़ दीजिए। हम लोग तो कहते हैं दूध भात है, वो जो बोलते हैं उसको दूध भात मानिए, और उनको आप विजनरी पॉलिटिशियन मत समझिए। हम इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमको समय दिया। हमारे साथ थी देवजानी मित्रा, जदयू की प्रवक्ता, काफ़ी मुखरता से अपनी बात को रखती हैं, विद्वान हैं, आईग्लैम संस्था चलाती हैं। अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए। हमारे टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू मैम।